काश तू भी कभी दिखाई दे। हाय शिफा, मुझे तुमसे आती के बारे में कुछ बात करनी है, उसके बारे में कुछ बताना है। क्या बताना है? कि वो कितना बड़ा चीटर है? शुक्र करो कि उस पर केस नहीं बना, वरना उस जैसे जानवर की सही जगह तो सलाखों के पीछे होती है। शिफा, तुम गलत समझ रही हो, उसे फंसाया जा रहा है, उसे तुम्हारी नजरों में गिरा कर तुम दोनों को अलग करने की साजिश की जा रही है। ये तुम उसे डिफेंड करके ना उसकी गलतियां नहीं छुपा सकते हो। मुझे अफसोस होता है उस पल पर जिस पल मैंने उसके लिए कुछ अलग महसूस किया था। मुझे अफसोस होता है उस दिन पर जिस दिन मैंने ये सोचा कि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लेकिन सच तो ये है कि वो ना किसी के भरोसे के काबिल है और ना ही मोहब्बत के। तुम्हारी आंखों पर सैरिश ने जो ये झूठ की पट्टी बांधी है ना, ये बहुत जल्द खुल जाएगी। और ख्याल करना कि उस दिन बहुत देर ना हो जाए। अगर आतिफ ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना, तो उससे जाकर कह देना, क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूँ। प्लीज शिफा, लिसन टू मी, डोंट गेट हिम रॉन्ग यार। कोई फायदा नहीं है, अब वो नहीं पलटेगी। तुम आती को बेगुनाह साबित कर भी दो, तब भी रिहाई उसका मुकद्दर नहीं बन सकती, क्योंकि शायद तुम सैरिश को जानते नहीं हो कि वो कौन है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ सैरिश जैसी लड़की, वो भी तुम्हारी तरह एक वैम्प है, जिसे लोगों की पुरसुकून जिंदगी खराब करने में बहुत मजा आता है। और अब अगर तुम अपने दोस्त की खैर मना सकते हो तो मना लो, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता है कि वो कितना बुरा फंस चुका है। और हाँ, एक और बात, कोई और लड़की होती ना तो आती कब का जान छुड़ा चुका होता, मगर अपने होने वाली भाभी की बहन को धोखा देकर वो खुद को कैसे बचाएगा? ओह हो ईमान, क्या करती हो तुम? तुम्हें पता है मुझे कल ही पता चला। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ, तभी तो डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। ठीक हो तो फिर ऑफिस क्यों नहीं आई? जानती हो तुम्हारी वजह से बॉस भी नहीं आ रहे। एक तो तुम लोग की लव स्टोरी ना। क्या आहद ऑफिस नहीं आ रहे? ओहो, बॉस से डायरेक्ट आहद, गुड, कीप इट अप। वैसे ये बात सही है कि अल्लाह ताला जो करता है बेहतरी के लिए करता है। कम से कम इस शौक से तुम्हारी अकल तो ठिकाने आई, बट उस बेचारे के सारे जज्बात और फीलिंग्स को तुम फील ही नहीं करती थी। वैसे तुम्हारा ये बदला हुआ अंदाज देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल में ना तुम्हारी बड़ी तीमारदारी हुई है, इसलिए अपनी दोस्त को भूल गई तुम। नहीं यार, होश कहाँ होता है करंट लगने के बाद, तुम्हें लगा तो पता चले ना। और होश में आने के बाद सबसे पहले किसको देखा? अम्मी थी, आहद और तुम्हारा कजन जिशान, राइट? मैं बता रही थी कि वही हॉस्पिटल लेके भागा था मुझे। ठीक है, आंटी और जिशान के दरमियान जो भी बदमिजगी थी खत्म हो गई? एक साथ एक दूसरे के सामने रहते हैं तो दिलों में फासले तो खत्म होते चले जाते हैं। और पिछले दिनों जो रवैया था उसका तुम्हारे साथ, वो मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा दिल कह रहा है कि वो गलत नहीं है। मेरा दिल सही था, वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि मैं अपने नए रिश्ते में आगे बढ़ सकूं। Thank you.
मुझ में अब मैं नहीं तुम हो ईमान, तुम हो तो मैं सांसें लेता हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो आज भी जिंदा नहीं रह पाएगा। जीशान, मैंने जैन से कहा था कि तुम्हें खाने भी बुलाए, तुम आई क्यों नहीं? आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे भूख होगी तो मैं खा लूंगा खाने। कैसे ना तुम्हारी फिक्र करूं, कई सालों से तुम हमसे दूर रहे हो, अब जब तुम मेरी नजरों के सामने हो तुम्हारी फिक्र तो करूंगी ना। और वैसे भी हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद खुश रहे, भले तुमने हमें अपनी खुशियों में शामिल ना किया हो। वक्त अच्छा हो या बुरा, वक्त की यही पहचान है कि वो गुजर ही जाता है। तुम भी अपनी जिंदगी को नए सिरे से गुजारो बेटा, माजी को भूल जाओ, तुमने अमेरिका में जिंदगी कैसी जी है। सच पूछो ना तो अब हम भी थक गए हैं तुमसे नाराज रहकर, तुम्हारा उदास और नदामत वाला चेहरा देखकर खुद को जिल्लत सी महसूस होती है। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आओ बेटा, खुश रहो। सरेश, हुआ क्या है? ना तुम कुछ बता रही हो और ना ही तुम खामोश हो रही हो। क्या कहा था आतिफ ने? नाम मत लो उसका मेरे सामने, उसका नाम सोचकर तकलीफ होती है मुझे। और वो सब कुछ भूल कर भी कह रहा है कि उसे कुछ याद नहीं है। इससे तो अच्छा होता उस रात में घर ही ना आती, किसी गाड़ी के आगे आके या खाई से कूद के अपनी जान दे देती। तुम क्यों अपनी जान दोगी? इन सब में तुम्हारा क्या कसूर? डूब मरने का मुकाम तो उसके लिए है। सहरिश, मैं तो कहती हूँ वक्त अब भी नहीं गुजरा है। तुम ये सब कुछ ईमान आप ही को बता दो, उनमें बहुत हिम्मत है, वो जरूर तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगी। नहीं शिवा, प्लीज, घर में इस बात का इल्म किसी को भी नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं। मैं नहीं सह सकती लोगों के सवाल, लोगों के रवैये। प्लीज शिवा, तुम घर में किसी को कुछ नहीं बताओगी, और अम्मी और ईमाना भी तो शायद इस बात को सह भी ना पाए। तुम मुझसे वादा करो, ना मेरे जीते जी और ना मेरे मरने के बाद ये बात किसी को नहीं बताओगी। ये तो खुद ही सह लूंगी। अच्छा प्लीज सुना बंद करो। अफान, ऐसी कौन सी बात थी जो तुमने मुझे फोन पे नहीं बताया, यहां बुला लिया? बुरी खबर है यार। वैसे ही जिंदगी में सब कुछ बुरा ही चल रहा है, कोई अच्छी खबर की तो कोई उम्मीद ही नहीं है मुझे। एनीवेज बताओ क्या न्यूज है। तू जानता है सरेश कौन है? वो तेरी होने वाली भाभी की बहन है यार। क्या ये क्या कह रहे हो अफान तुम? पहले मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था यार, लेकिन सहरिश के वालिद के गुजर जाने के बाद ईमान भाभी ने बहुत लाड प्यार से पाला सहरिश को यार। मुझे तो सोचते हुए भी डर लग रहा है कि अगर
सैरिश ने तेरे अगेंस्ट कोई बात बता दी भाभी को तो वो तेरे अगेंस्ट हो जाएंगी यार। इसी बात की टेंशन हो रही है मुझे यार। अगर ईमान भाभी के साथ साथ आहत भाई और बाबा का भरोसा भी तुझ पर से उठ गया तो यार काफी बुरा हो जाएगा यार। मुझे तो सोचते हुए भी डर लग रहा है। पर हाँ, हानिया ने जानबूझ के तुझे फंसाया और ये बात उसने खुद कबूल की आती। मैंने कहा था ना तुझे कि ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है तेरे अगेंस्ट, लेकिन तुझे मेरी बात का यकीन ही नहीं था। अब इस सब सिचुएशन से कैसे निपटेगा तू अकेले यार? देख तू एक काम कर, तू आहत भाई को ना सब कुछ सच सच बता दे। अगर तुमने उनका ट्रस्ट गेन कर लिया ना तो सैरिश के सब मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। और भाई उनकी जिंदगी का क्या? हाँ भाई भाभी से बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर मैंने उनसे कहा ना मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत चाहिए, वो मेरे लिए खड़े भी हो जाएंगे, मगर किसके सामने? सॉरी मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता कि मैं उनसे उनकी मोहब्बत की आजमाइश मांगू और मेरी वजह से उनकी मोहब्बत अधूरी रह जाए, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। नेवर एवर, कभी भी नहीं। तुम भी सोचती होगी कि जब मेरा दिल करता मैं तुम्हें फोन कर लेता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारी आवाज सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। अच्छा तो फिर इस मर्ज का इलाज करवा लें, क्योंकि अगर ये मर्ज बढ़ गया तो कहीं आप ये ना कहें कि मुझे देखे बिना नींद नहीं आती। तो फिर क्या है मान के, आई गेस इस मर्ज का बढ़ जाना ही अच्छा है। तो फिर अभी तो आवाज सुननी होती तो कॉल कर लेते हैं, देखना होगा तो क्या करेंगे। वैसे तो टेक्नोलॉजी ने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम हर रोज एक दूसरे को फोन पर भी देख सकते हैं, लेकिन जो मजा एक दूसरे को रियल देखने में है वो फोन पर तो नहीं। सो उसके लिए मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, दैट इफ यू गेट मैरिड। अच्छा मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। भाभी आपने शिफा को नोट किया है? वो बहुत उदास और परेशान नजर आ रही है आजकल। आपने पूछा उसे कि बात क्या है? वो अपने दिल की बात किसी से भी नहीं करती, और वैसे भी आजकल तो वो सैरिश के साथ होती है, न जाने उन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। कोई बात तो है जरूर भाभी, जरा सोचे अगर दोनों में लड़ाई हुई होती तो क्या एक साथ रह रही होती है? भाभी मैं बच्चों की आजादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बच्चों के मामले में थोड़ा मोहतियात रहना चाहिए हमें। शमीम ऐसी बातें करके मुझे डराओ नहीं, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। पता नहीं भाभी, लेकिन उस दिन हॉस्पिटल से लौटने पर ईमान के गले से लग के इतना रोई थी जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया हो। उस दिन के बाद तो सैरिश अपने कमरे से निकलती ही नहीं है, पता नहीं किसके साथ सारा सारा दिन फोन पे बातें करती रहती है। मैं बता रही हूँ भाभी, कोई ना कोई बात जरूर है। मैं ऐसा करती हूँ, वो इनकी यूनिवर्सिटी में लड़की पढ़ती ना, इनकी दोस्त हानिया, उसको फोन करके किसी दिन बुला लेती हूँ यहाँ पे, उसको जरूर कुछ पता होगा, है ना? वो ही बताएगी सारे बात। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था सैरिश के हमारे दरमियान इतना कुछ गुजर जाएगा। सैरिश जो कुछ भी हुआ वो मेरी लाइल्मी में था। आती मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि उस दिन जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, लेकिन ये बात तो सिर्फ मैं जानती हूँ ना, दुनिया को कैसे यकीन दिलाऊंगी? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना, और जब मेरे घर वालों को पता चलेगा तो कयामत आ जाएगी, और मेरी अम्मी
वो तो जीते जी मर जाएंगी। शायद मेरे पापा भी। सरेश वो हार्ट पेशेंट है, मैं उन्हें इस उम्र में कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। बस बहुत हो गया, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझे बार बार बेइज्जत करो। मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ, तुमने खुद को समझ क्या रखा है कि तुम मुझसे माफी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? बजाय मेरा हाथ थाम के मेरा सहारा बनो, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं और सब कुछ भूल जाऊं? तुम इंतहाई बुजदिल आदमी हो। सरेश, अरे आती, अच्छे टाइम पे आए हो। मैं ईमान की तरफ जा रहा था, सोचा उससे मिल लूँ और उसकी तबीयत भी पूछ लूँ, तुम भी साथ चलो। उनकी फैमिली से ना तुम्हारी कभी मुलाकात हुई है, ना उनकी तुमसे तो मुलाकात भी हो जाएगी। बाबा वो एक्चुअली मेरा मूड नहीं हो रहा। अरे ऐसी क्या बात हो गई कि मूड नहीं हो रहा? तुम्हें अच्छा लगेगा उनसे मिलके, और फिर ईमान क्या सोचेगी, अभी वो हादसे के बाद अल्लाह ने उसे दूसरी जिंदगी दी और तुम हादसा? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। एक हफ्ते से वो बिस्तर पे थी, अब जाके उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई है। What the hell? Are you blind? देखकर काम नहीं कर सकती तुम? अगर ठीक तरह काम नहीं कर सकती हो, दफा हो जाओ यहां से। I said get lost! जी बोले, क्यों आवाज दे रही थी मुझे? अपनी दोस्त हानिया का नंबर दो मुझे। क्यों? बात करनी है उससे। ऐसी क्या जरूरी बात करनी है आपने उससे? तुम मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या बात हुई है कि हानिया का नाम सुनते ही तुम्हारे होश उड़ गए? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया, कोई ना कोई मसला तो है। और वो शिफा जो हर बात आके मुझे बताती थी, उससे बात करो तो उसकी भी हवाइयां उड़ी हुई हैं। क्या बात है सरिश? अम्मी क्या कह रही हैं? कुछ नहीं हुआ है, आपको पता नहीं है इनकी आदत का, खामखा इन्हें वहम रहते हैं। और मेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ेगा? मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया है? तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? अम्मी ने कहा ही क्या है? ये हाल है इसका, बात पे बिगड़ जाती है। मैं कैसे यकीन कर लूं कि कोई बात नहीं है? तो छोड़ देना मुझे मेरे हाल पे, क्यों पड़ी रहती है मेरे पीछे? और अगर अम्मी आपने मेरे साथ यही रवैया रखा ना, तो मैं इस घर को छोड़ के भाग जाऊंगी। देखा बेटा तुमने किस तरह मेरे मुंह पे कह के गई है कि घर छोड़ के चली जाएगी? ये वतीरे होते हैं बेटियों के। अच्छा परेशान नहीं हो, मैं इससे बात करूंगा। आप बैठे यहां पे, बैठे बैठे। जिंदगी अजाब हो गई है।
हर दिन इस घर में कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। इच्छा ही पड़ गई है मेरे, घर से भागू ना तो और क्या करूं। हेलो हानिया, यार एक मसला खड़ा हो गया है। अम्मी मेरी जासूसी कर रही है, पता नहीं कैसे उन्हें मुझ पर शक हो गया। तो ये डर लग रहा है कि कहीं अम्मी की वजह से हमारा बना बनाया प्लान फेल ना हो जाए। तुम उन्हें फौरन एतमाद में लो, उन्हें यकीन दिलाओ कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो सारी अम्माएं दिखने में बड़ी भोली भाली होती हैं, उन्हें बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। मगर हाँ, उन्हें बेवकूफ समझना ये सबसे बड़ी गलती है। जब तक तुम आती को नहीं पा लेती ना, तब तक उनसे ये बात छुपाओ। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आतिफ भी कोई स्टेप नहीं ले रहा जबकि मैंने उसे इतना प्रेशराइज किया, लेकिन उस पर शिफा की मोहब्बत का भूत जो सवार है। हानिया, अगर शिफा को पता चल गया ना कि आती बेकस हो रहा है और उसे मैंने ट्रैप किया, तो एक बार फिर आती के करीब हो जाएगी। इससे तो अच्छा था कि मैं शिफा को ही मौत के घाट उतार दी थी, जान तो छूटती मेरी। जरा तुम यहां छुपकर मेरी बातें सुन रहे थे? तुम्हारी तो मैं दरवाजा खोलो। बात ध्यान से सुन, अगर किसी के भी सामने तुमने अपनी जबान खोलने की कोशिश की तो अभी जो मैंने फोन पर कहा है ना, वो सच में कर गुजरूंगी। सरिश दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाहिर है बड़ों का दिमाग तो मुझसे मिलता नहीं है, इसलिए जैन के साथ खेल रही थी रूम में। नहीं, खेलेंगे तो हम बाहर जाके। मैं जैन को गेम के रूल समझा रही थी। तुम बाहर जाओ, मुझे बात करनी है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने ये घर से भागने वाली बात किस बिना पर की है? तुम्हें अंदाजा भी है कि अम्मी तुम्हारी वजह से कितना हर्ट होती हैं? अब्बू के जाने के बाद तुम जानती हो ना उन्होंने हम दोनों के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं? क्या चाहती हो तुम? और मुझे बताओ वो क्या चाहती हैं तुमसे? क्या तुम उनसे अपनी फिक्र करने का भी हक छीन लेना चाहती हो? I'm sorry, मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन मैं इस तरह किसी को हर्ट नहीं करती हूं। जाओ, जाके अम्मी से माफी मांगो, वो पहले ही तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। लेकिन क्यों? मैं छोटी बच्ची तो नहीं हूं, इतनी बड़ी हो गई हूं कि अपने जिंदगी के फैसले खुद कर सकूं, और ये मेरा हक। क्या फैसला करना है? नहीं, मुझे बताओ ना, मैं पूछ रही हूं कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम्हें फैसले का हक लेने की जरूरत पड़ गई? वो बात बताने का भी वक्त नहीं आया, जब आएगा तो सिर्फ आप नहीं बल्कि बाकी घर वाले भी जान जाएंगे। सैरिश, मैं आज 6 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा।
प्लीज जरूर आना शिफा, अगर तुम नहीं आई तो शायद मैं शहर ही नहीं ये दुनिया ही छोड़ दूं। क्या हुआ, खामोश क्यों? किसी ने डांटा है? सहरेश आप भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे हमेशा डराती रहती है, मुझे डर लगता है उनसे। इसका मतलब कि सहरेश ने तुम्हें कुछ कहा है, तुमने यकीनन कोई ना कोई गलती की होगी भाई, तभी उसने कुछ कहा। निशान भाई मैं उनको कुछ भी नहीं कहता, वो बिला वजह मुझे डराती रहती है, डांटती रहती है। वो कह रही थी कि मैं शिफा को जान से मार दूंगी और मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे भी जान से मार देंगी। सैन जो बात तुम्हें पता है, अगर मुझे भी पता चल गई तो क्या सहरेश मुझे भी मार देगी? हाँ वो तो कभी कभी वहम भी बन जाती है। सैन बहुत हो गया, मैं समझ रहा था तुम मजाक कर, लेकिन ऐसा नहीं करते सर। ईमान कहीं जा रही है? हाँ वो एक काम है। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी खुद ही, थैंक्स। जब्त की रूह भी लगे हारी, जलते हैं ख्वाब मेरे इन आँखों में, भूल गया वो दिलदारी। Excuse me? भाभी आप? इतने सालों में आज तक मैंने आती को इस तरह गुस्सा करते हुए नहीं देखा। उसके इस एटीट्यूड ने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया। कैसी उलझन बाबा? कुछ डिप्रेस सा है, संगीन मिजाज का होता जा रहा है, अजीब और गरीब तरीके से सब्र खो देता है, नाराज हो जाता है,
और उसकी हालत एक दो दिन से नहीं, मैं कई हफ्तों से देख रहा हूं। ठीक कह रहे हैं बाबा, कहीं वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब तो नहीं है? हो सकता है, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया, अगर तुम पूछो तो शायद बता दे। अभी कहाँ है वो पापा? बताकर जाता तो शिकायत ही क्या थी, आजकल तो वो सारा दिन घर से बाहर ही रहता है। पापा आप जानते तो हैं कि वो कितना सेंसिटिव है, अगर उसके किसी दोस्त को भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो अपने जहन पर ले लेता है। हो सकता है अपने किसी दोस्त की वजह से परेशान हो। पापा खुद सोचिए, अगर आतिफ के साथ कोई प्रॉब्लम होता तो एटलीस्ट मुझसे तो शेयर करता वो। बैठो। तो शिफा ही वो लड़की है जिसे तुम नकचड़ी और नखरेली बुला रहे थे? वो ऐसा कुछ नहीं है भाभी। शिफा के फोन पे तुम्हारा लास्ट मैसेज पढ़ो। मोहब्बत का यकीन दिलाने के और भी तरीके होते हैं, जान देने की बात तो बुजदिल करते हैं, है ना? सच पूछो तो थोड़ी देर पहले बहुत गुस्से में थी मैं, सोचा जाकर देखूं कि कौन लड़का शिफा को तंग कर रहा है, और हाई हील भी पहन के आई थी ताकि उसकी पिटाई कर सकूं। तुम बच गए, उस दिन जब तुम मुझे ड्रॉप करने आए थे घर तब क्यों नहीं बताया शिफा के बारे में, और आहद ने भी कुछ नहीं कहा? भाभी वो उन्हें कुछ नहीं पता। तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? वैसे तुम शिफा से मिले कहाँ? हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते। अच्छा, पहले नहीं पता था मुझे। छे यार, अगर आपकी एंगेजमेंट में आता मैं, आपको उसी दिन पता चल जाता, लेकिन मैं तो यहाँ था ही नहीं, आप तो जानती थी ये बात। तुम्हारी भाभी को तुम्हारी चॉइस पे नाज है, लेकिन वो दिल की वाकई बहुत अच्छी है, और तुम भी। मैं तुम दोनों के लिए दिल से बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच भाभी। बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास आकर बैठे। मैं तो डर गया था कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो गई। नहीं अबू, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? मैं जानती हूँ बेटियों की तरफ से माँ बाप के भरोसे की बुनियाद बहुत कच्ची होती है, बस एक धक्के से वो भरोसे की दीवार अपने पूरे कद के साथ आ गिरती है। अब्बू, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी। आज मैंने अम्मी की आंखों में अपने लिए शबुहात देखे, मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि इस घर की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और रही बात शादी की, अगर आप लोगों को लगता है कि
पढ़ाई का ये आखिरी साल आप लोगों पर मुश्किल पड़ रहा है, तो आप लोग मेरी पढ़ाई छुड़वा दें और आप लोग जहां मेरी शादी करवाएंगे मैं कर लूंगी अब। लेकिन प्लीज मुझसे इस तरह के रवैये इख्तियार ना करें। मैं जानती हूं अब्बू, जब भरोसा टूटता है तो कितनी तकलीफ होती। काश तू भी कभी दिखाई दे।